हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रेम क्या होती है और उसके साथ साथ ही इसके महत्वपूर्ण टिप्स आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों अगर बात की जाए रेम के बारे में तो आपको सबको पता ही है कि यार रेम क्या चीज़ है, ये तो आसानी से हर कोई बता सकता है। दोस्तों अगर आप भी समझेंगे कि यार क्या है ये वीडियो में बता रहे हैं, तो दोस्तों मैं इस चीज़ में आपको एक कम्प्लीटली तरीके से बता सकता हूँ कि हम जो डेवलपर्स होते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है और वो नॉलेज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओनली सबसे पहले दोस्तों ज़रूरत होती है कि कितने GB वाला अपन को रैम चाहिए, और ये आगे चलकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है कि आपने अगर 2 GB भी रैम लिए या फिर 1.5 GB रैम है या फिर 1 GB रैम है। तो इस बेस के अकॉर्डिंग अगर आप रैम लेते हैं दोस्तों, तो एप्लीकेशन जो आने वाले टाइम में जो एप्लीकेशन है या फिर यूँ बात करूँ ग्राफिक्स की, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ से स्पष्ट रूप से मैं ये बता देता हूँ दोस्तों कि आपको कौन सी रैम तक फ़ोन लेना चाहिए, कौन सी क्लर्क उतनी स्पीड होनी चाहिए, कौन सी DDR वाली रैम होनी चाहिए। बस इसी के बारे में दोस्तों आज डिस्कस करेंगे अपन। दोस्तों अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो कंप्यूटर की जो रैम होती है और मोबाइल की रैम होती है, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। साथ साथ ही दोस्तों क्या होता है, मोबाइल की जो रैम होती है वो एकदम फिक्स होती है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो इस फोन के अंदर वो मोबाइल की जो रैम डल गई है दोस्तों, उसको अपन एक्सटेंड या एक्सप्लेंड नहीं कर सकते, जबकि PC के अंदर उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूँ रैम के बारे में तो मैं आपको पता, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि दोस्तों आपको पता ही होगा। अब इसकी जो फुल फॉर्म के साथ साथ इसके रैम के बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं और एक फाइल जो होनी चाहिए दो वो होती है, अब कोई और दूसरी फाइल आपके कमरे में रख देता है, यानी कि बात करें मल्टीवर्क के बारे में दोस्तों, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो रैम जो होती है वो होती है मल्टी यूज़ करने के लिए। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन की कितनी आप डुप्लीकेट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसके साथ क्या आप रेंडरिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ ब्राउजर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ होती है ये कैश मेमोरी में चली जाती है सारी, और जो अपनी रैम होती है इस सब सारी चीज़ों को एग्जिस्ट करता है दोस्तों। अब उसके साथ सबसे मेन डिस्क क्या होती है, इसके जो होती है जो मेन डिस्क वो यही होती है दोस्तों कि आप जब भी काम कर रहे होते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जब स्विच करेंगे, तो जो आपका लास्ट वर्क होगा वो सारा का सारा इम्पैक्ट होता है इस चीज़ के बारे में। अब जितनी ज़्यादा पावरफुल रैम होगी दोस्तों, उससे क्या होगा, जैसे आप एक्सपेंड करेंगे कुछ भी, तो वो जो रैम की जो कैश मेमोरी वही सारी होगी, वो क्या आपस में स्वैप होती है दोस्तों। अब जब भी स्वैप होती है वो दोस्तों, तो क्या होती है, एक प्रोग्राम होता है वो थोड़ा रन करना थोड़ा कम हो जाता है जैसे दूसरे। अब जैसे मान लिया एक क्लास है, एक क्लास से आप दूसरी क्लास में जाते हो, जो बीच का जो समय होता है दोस्तों वो होती है रैम एग्जिस्ट करती है उस चीज़ को। अब जब आप जितना ज़्यादा स्विच करने में टाइम लगता है दोस्तों, वही काम होता है दोस्तों उसके साथ में रैम का भी। दोस्तों अगर बात की जाए अब स्मार्टफोन के बारे में कि स्मार्टफोन के अंदर कितनी रैम होनी चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम से, अभी के ट्रेंड ओरियो अपडेट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कम से कम 4 GB आप लेके चले दोस्तों, क्योंकि इससे कम अगर आप 2 GB में, अगर आप सोच रहे हैं कि 2 GB अगर काफ़ी ज़्यादा कंपनी से कहती है तो हमारे लिए 2 GB काफ़ी होती है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों 4 GB को, क्योंकि आने वाला टाइम में जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उनकी जो खुद के जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन होती है वो भी बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे मान लिया एक सैमसंग का फ़ोन है, तो सैमसंग क्या करता है दोस्तों, इसकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि अपन उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जब भी आप नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आती ही है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि अपन जैसे कोई नई एप्लीकेशन डालते हैं फ़ोन इतना हैंग नहीं होता है, धीरे धीरे अपन देखते हैं दोस्तों कि फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों होता है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। माना कि कोई सा भी एक मोबाइल है 2 GB का मान लेते हैं, अब 2 GB में क्या होता है, सबसे पहले आपने फेसबुक डाला जिसकी पहले कितना साइज़ कितनी होती थी 200 MB, अब कितनी हो गई उसकी 300 MB। अब क्या होता है कि फेसबुक में आप जब भी रन करते हैं तो उस एप्लीकेशन के कंटेंट रन होते हैं, उसके जो HTML कोड होते हैं वो रन होते हैं, साथ साथ ही उसके जो ग्राफिक्स होते हैं GPU का वो भी रन होता है। अब रैम क्या करता है, उस चीज़ को खाली स्विच का काम कर रहा है। अब बाकी का जो काम होता है दोस्तों, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो काम करती है दूसरा, वो करती है रेंडरिंग का भी करती है, उसके अलावा ग्राफिक्स का भी करती है, और उसके अलावा जो अपना टाइम स्पीड, जो अपन स्पीड से स्क्रॉलिंग करते हैं फास्ट में एक स्विच मतलब कीबोर्ड से या फिर सर्च में जाते हैं, सर्च से वापस दूसरी चीज़ में आते हैं, तो वो मल्टीवर्क हो गया, तो उसके लिए क्या करता है कुछ रैम जो होती है दोस्तों। अब 2 GB की जो बात करें अपन, जो 2 GB जो होती है वो पूरा फ़ोन को सपोर्ट करती है, ना कि सिर्फ फेसबुक की एप्लीकेशन को दोस्तों। अब जो मेन जो प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि लोग उस चीज़ को गलत समझ लेते हैं कि हमें 2 GB मिली है, मतलब ये कि एक एप्लीकेशन पे 2 GB मिली है दोस्तों। अब ये जो चीज़ हुई दोस्ती, यही सबसे बेस्ट चीज़ होती है, इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते, वो 2 GB वाले रोम जो रैम होती है अपने दोस्तों वो फ़ोन खरीद के ले आते हैं, बाद में उस पर कुछ भी काम करते तो उसमें फ़ोन के अंदर हैंगिंग करना शुरू हो जाता है। साथ में दोस्तों वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, वो जो रैम की जो साइज़ है या फिर ये वाल जो टाइप है DDR3 है DDR4 है, इस चीज़ को समझ नहीं पाते, और उसकी जो क्लर्क की जो स्पीड होती है दोस्तों, उस चीज़ को बिल्कुल भी
मतलब अंडरएस्टिमेट कर देते हैं दोस्तों। अगर आप मार्केट में अगर चाहे दोस्तों तो 4GB वाले रोम भी रैम जो है दोस्तों वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो जो फ़ोन है वो भी आपको मिल जाएंगे, पैसे भले ज़्यादा मिलेंगे लेकिन आपको दोस्तों हार्डवेयर पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कम, क्योंकि यही होता है सबसे ज़्यादा कि लोग फ़ोन के बारे में, जैसे नया फ़ोन आता है कोई भी किसी भी कंपनी का, तो उसके हार्डवेयर विदाउट इसके हार्डवेयर के नोटिफिकेशन के बारे में उस फ़ोन को ले लेते हैं बस। सबसे ज़्यादा अगर लोग देखते हैं तो ये देखते हैं उसकी रैम कितनी, उसका कैमरा कितना है, उसका ये कितना, पर एक्चुअली कोई रैम के टाइप को नहीं देखता है, हार्डवेयर के टाइप को नहीं देखता है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जल्द से